महाभारत से जुड़े हुए हमने कई कहानी और किस्से सुने हैं, लेकिन महाभारत का एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जीवित है, जिसके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते। दानवीर कर्ण से जुड़ा एक अनोखा रहस्य जो आज भी इस गुफा में जीवित है, जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। इस स्थान पर रहने वालों ने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे भी होश उड़ गए। उन्होंने हमें सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्ण के कवच और कुंडल की, जिसे इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण से दान में मांग लिया था। दानवीर कर्ण ने भी बिना सोचे समझे इंद्रदेव को दान में अपना कवच और कुंडल दे डाला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर दान में दिए गए कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ। शायद इस बात को कोई नहीं जानता होगा कि कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर कर्ण का कवच और कुंडल आज भी मौजूद है। जी हाँ, कर्ण का कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित एक रहस्यमय गुफा के अंदर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दे कि कर्ण के कवच और कुंडल से भी सूर्य की रोशनी के समान रोशनी आया करती थी। अतः इस गुफा के पास रहने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार कर्ण के कवच और कुंडल से पीले रंग की रोशनी को आते हुए देखा है। साथ ही यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि इंद्रदेव ने जब सूर्यपुत्र कर्ण से छल पूर्वक उनका कवच और कुंडल लिया, तो सूर्यदेव के श्राप के कारण इंद्रदेव कवच और कुंडल अपने साथ स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते थे। दोस्तों, इस बात को तो हमने भी पुराणों में सुना है, लेकिन इसके बाद कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ किसी को नहीं पता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है कई श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास धस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ में बीजापुर के एक गुफा में छुपा दिया था, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा से आज भी पीली रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद है। बस एक छोटा सा स्थान है जहां से कर्ण की कवच और कुंडल की रोशनी दिखाई पड़ती है। इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी आने का कोई स्थान नहीं है, जिससे ये माना जाए कि ये रोशनी सूरज के किरणों की है। हालांकि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ है इसके बारे में अलग अलग कीवदंतियां है, लेकिन कोई बताता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित है, किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है, और कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल इस गुफा में मौजूद है। परंतु इस गुफा के अंदर से आने वाली पीली रोशनी, जो स्वर्ण के समान चमकती हुई दिखाई देती है, आखिर क्या है इस रोशनी का रहस्य? क्या यहाँ पर वास्तव में कर्ण के कवच और कुंडल मौजूद है, या फिर कोई अनोखा चमकदार पत्थर है जिसे सूर्य के समान किरणें निकलती है? इस बात का रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का दावा है कि रोशनी सिर्फ और सिर्फ कर्ण के कवच और कुंडल की ही है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, और आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।